फैमिली कैसे हैं आप? तो मैंने सोचा आप लोग के लिए आज के दिन पे एक छोटा सा रीडिंग किया जाए और उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे रहने वाला है और अगर हम लोग को अपनी मनचाही जॉब चाहिए तो मिलेगी या नहीं, क्या होगा, फाइनेंसेस और करियर पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आज। तो चलिए देखते हैं कि हमारे ब्यूटीफुल व्यूअर्स जो है इस चैनल के, तो उनके लिए फाइनेंशियल कैसे रहने वाला है 20 ये धनतेरस से लेकर के पूरा नेक्स्ट ईयर। ठीक है गाइज, देखते हैं हमारा फाइनेंशियल क्या सिचुएशन हमारे चैनल के लिए। ये टाइमलेस है गाइज, जब अभी आप लोग देखोगे तो आप लोग देख लोगे तो आपके लिए मैसेज होगा, उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए डेफिनेटली होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स के लिए क्या निकल के आता है फाइनेंस में। ठीक है गाइज, तो ये गाइज तो मुझे हॉस्टिलिटीज दिखाई दे रहे हैं फाइनेंस में। कहीं ना कहीं कुछ कुछ लोगों को लग रहा है कि उनको कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है उनके काम को लेकर के, ये प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि उनको ऊपर से बताया भी जा रहा है कि तुम कुछ काम नहीं करते हो, तुम यूजलेस हो, ये हो वो हो, पता नहीं क्यों आज के दिन पे ऐसी चीज़ें। बट डोंट वरी गाइज, आप लोग के लिए अगर आप लोग फाइनेंसेस को लेकर के ऑल टाइड अप फील कर रहे हो तो मैं आप लोग को गुड न्यूज़ देती हूँ यहाँ पे कि ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रहा है आप लोग के लिए और द सन कार्ड है, इससे आगे आप लोग का करियर बहुत अच्छा होने वाला है और आप लोग बहुत अच्छे से चमकने वाले हो अपने करियर में। आप बहुत अच्छे से, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपका ब्राइट फ्यूचर होगा, आपको पैसे मिलेंगे। ऑब्वियसली गाइज, आज हमने जो टेक्निक्स बताया उसको करने के बाद डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप लोगों को आपका अबंडेंस मिल जाएगा अगर आप उसको फॉलो करते हो रेगुलरली, तो कोई ना कोई टेक्निक आपके लिए ज़रूर वर्क करेगा। तो मुझे इसके आगे, उसके अलावा भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि सन कार्ड है तो आप लोग ने अगर बहुत ज़्यादा मेहनत की है करियर को लेकर के तो आप लोग को उसके रिवॉर्ड ज़रूर मिलेंगे। जस्ट बी एन एंजल ऑफ लव जैसे कि आप लोग अभी हो, देखिए, और वॉक अवे मत कीजिएगा। अगर आपके लिए कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है तो वॉक अवे इज़ नॉट द सॉल्यूशन गाइस। आप लोग को थोड़ा सा वहाँ पे वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिलैक्स रिज्यूविनेशन और मेडिटेशन करना पड़ेगा इस चीज़ पे, आपको अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना पड़ेगा। रनिंग अवे इज नेवर द सॉल्यूशन, भागना कभी भी कोई सी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, फाइट करना ही उसका सॉल्यूशन होता है। तो चलिए गाइज, देखते हैं कि और क्या क्या आर्केनम डेक हमको बताता है आपके फाइनेंसेस के बारे में और क्या और करियर के बारे में। अगर आप लोग, और ये मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग का ऐसा कोई करियर था जो आपका ड्रीम जॉब या कुछ, तो वो आपको कब तक मिलेगा और ये सब देखने की कोशिश करेंगे। ड्रीम जॉब के ऊपर या ड्रीम फाइनेंसेस के ऊपर तो आगे की रीडिंग रहने वाली है। तो मैं ये कार्ड हटा दे रही हूँ यहाँ से, हमने ओवरऑल एनर्जीज देख लिए हैं बट हम लोग अभी देखने वाले हैं कि अगर कोई ड्रीम जॉब या ऐसा कुछ था तो क्या होगा उसका, वो चीज़ पे ध्यान देंगे। थोड़ा सा मुझे गाइस क्लॉथ ठीक करना पड़ेगा, यस, तो हम लोग अभी उस चीज़ पे ध्यान देने वाले हैं कि क्या होगा उसका। तो अगर आप लोग को कोई ड्रीम जॉब है, ड्रीम करियर है, तो क्या मिलने वाला है आप लोग को वो जॉब और करियर, और कब तक, और क्या है उसके लिए, क्या ब्लॉकेजेस है उस पर भी ध्यान देंगे। ओके, तो आप लोग को ऑफर नहीं मिल रहा है आपके ड्रीम जॉब का, लेकिन डोंट यू वरी गाइस, इसके वजह से जो है आप लोग को इनडिसिशन भी नहीं, आपको करना भी यही है और आपको जस्टिस मिलेगा गाइस। आप लोग ने बहुत मेहनत की है इस चीज के लिए, वो चीज आपको मिलेगी, आपके लिए चीजें मूव फॉरवर्ड करेंगी, बहुत अच्छा है। आपके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, आपको उसी के लिए वेट करना है, तो शायद आपके उसके वजह से आप लोग को फ्रस्ट्रेशंस हो रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, आप लोग को जजमेंट मिलने वाला है। इंट्यूशन की सुनो, अपने इंट्यूशन इज़ द बेस्ट गाइडेंस। आप देखो, मुझे मैंने कहा ना आप लोग ने बहुत रिवॉर्ड, बहुत मेहनत डाली है इसमें रिवॉर्ड लाने के लिए और वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट पहले आप लोग को अपनी इमोशनल लाइफ को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, अपनी हीलिंग्स करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा अपने होप और फेथ को ठीक कीजिएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तब तक जो है आपको आपका जॉब मिले, तब तक आपको दो और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं उसी फील्ड में जो आपके जॉब से डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, फिर भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो उसको ले लीजिएगा।
ठीक है गाइस, क्योंकि जब हम लोग एक वर्किंग कंडीशन में होते हैं, जब हम लोग एक पॉजिटिव कि भाई समथिंग इज वर्क, समथिंग वी हैव गॉट, कुछ तो है हाथ में, तो फिर वो जो दूसरी चीज़ है वो उससे हमारा पूरा नेगेटिविटी जो है वो कट हो जाता है, और फिर हम लोग पॉजिटिवली, क्योंकि हम लोग हमारा सारा ध्यान इस जॉब में रहता है, तो वो जो हम लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो लाइक यू नो छोड़ सकते हैं हम लोग हमारा इंटेंशन इन द यूनिवर्स, और फिर हम लोग उसके लिए ऐसे एंजाइटी के साथ वेट नहीं करेंगे, तो ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए गाइज, अबंडेंस भी है, आप अपने फैमिली के लिए अच्छे से प्रोवाइड भी कर पाएंगे इस और आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छी चीज़ें आ रही है यहाँ पे, बट जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें, क्योंकि वो स्पिरिट, वो गॉड, वो यूनिवर्स है जो आपको कुछ बताना चाह रहा है। कोई ऑफर अगर आपको चूज़ करना है तो आपकी इंट्यूशन की ही सुन के चूज़ करें। अगर आपके इंट्यूशन बोल रहे हैं ए और आपने बी चूज़ किया तो इट विल नॉट वर्क आउट समवेयर और दी अदर। मेरे को इतना पता है कि आप लोग अपने स्किल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, ठीक है गाइस, तो उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है बहुतों के लिए टावर मोमेंट्स का टाइम था, ये ट्रबल्ड टाइम्स था, जो शेकी फाउंडेशंस पर बनाया गया था चीज़ें जो है, एक स्टॉर्म आया जिसने सब कुछ क्लियर कर दिया आप लोग के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मतलब अगर कुछ ऐसे फॉल्स बिलीव्स थे आपके अंदर इस करियर को लेकर के, या कुछ वो सब क्लियर कर दिया गया, अभी इस स्टॉर्म ने सब कुछ सही कर दिया है आप लोग के लिए, तो यहाँ पे ये ध्यान देना ज़रूरी है गाइज। तो ये आप लोग के लिए आज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि एक स्टॉर्म टाइम था जो सब कुछ क्लियर करके गया है, लेकिन रिलेशनशिप्स पे तब मतलब आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप्स का कार्ड आ रहा है, तो आपको उधर भी ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन करियर को लेकर के जो है मैं कह सकती हूँ आप लोगों को, आपने बहुत मेहनत की, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कमिंग ईयर में मिलेगा 2021 में, तो आपने इतना एफर्ट्स ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो कुछ दिन और ही सही। राइट गाइज, ये टेक्निक्स जो मैंने आपको अभी के अभी बताए हैं इसके पहले वाले वीडियो में, उसको फॉलो कीजिएगा, और जो है टू कप्स मेथड कीजिएगा, मत भूलिएगा टू कप्स मेथड से आपको बहुत जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन, और आपकी जितना मैनिफेस्ट कर पाओगे उतनी चीज़ें एक्शन में आएंगी, एंड थिंग्स विल वर्कआउट फॉर यू, थिंग्स आपके लिए काम में मतलब वर्कआउट कर लेंगी, आपके लिए सब सही हो जाएगा, आपके लिए आपके थॉट्स जो है मोमेंट पकड़ेंगे, जैसे मैंने आप लोग से तभी कहा कि आप लोग जो चाहते हो वो आपके पास ऑलरेडी है किसी ना किसी डायमेंशन में, उसको बस इस डायमेंशन में लाना ज़रूरी है। तो आई होप आप लोग को ये गाइस फाइनेंशियल रीडिंग आज की बहुत पसंद आई होगी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।